अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना सा सारे वालों सो मैं इरफान जफर तो सा तकरी हो कश्मीर टीवी। सुबह बा खैर तो सा सबा तकने लिया कि आज जनाबे वाला मैं घर जाने की तैयारी करी रहा वा। इस वीडियो ने विच मैं घर जाना वै ते घर जाने तो पहले तकने सो बड़े हथा ने विच शीशा कंगा कैंची क्योंकि इतने दूर दूर तक कोई नाई नहीं जरा बाल कपै जरा दाढ़ी की सैट करे। इस वजह तो मैं आपे थोड़ी अपनी सैटिंग कर सा कि घर जाने जोगा थोड़ा मुँह सिर हो जाए माड़ा क्योंकि ढाइया महीनों च एक बार सिर्फ कर गया सा तो हूँ पता नहीं कितने दिहाड़ियों तो बाद जाई रहा वा वापस। तो तको जनाब अज इतने भी थोड़ी जी वीडियो बना सा इंशाल्लाह फिर सारा सफ़र भी तुसा की दसा। यकीन तुसा कि यह सफ़र भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी सी। इतों किस तरह मैं वापस अपने कार मीरपुर शहर पुजना वा। ए सारा शीशा जनाब निका जहा तो ऐसा इसनी होगी है सैटिंग शीशे की। हूँ फुल मैं तैयार हाँ माशाल्लाह घर जाने वास्ते। लेकिन घर जाने तो पहले जिस तरह के माड़ी ख्वाहिश सी तुसे पता कि स्पेशल घोड़ी हिंदी सी इस एरिए पुजी गया राइड करने वास्ते। पिछे तो इतना कोई खास मौका नहीं सी लगा घोड़ी नहीं फिल्म बनाने ना। लेकिन आज पहले जुलने जनाब तो घोड़ी पोड़ने खुली इधर अगर बेले च गई भी है तो राइड करने थोड़ी जी घोड़ी की तो फिर वापसी ना सफ़र जरा वा ना शुरू कर सा। जनाबे वाला कल ने आखिरी चाह पे करन लगे वे आ खानजान भाई फिर दूध ही निकाई गए। खानजान भाई आखिरी चाह आज आखिरी आ तको जनाब पड्डा ना दूध आई गया। मैं क्या चाह पीते बगैर मैं भी ना जाना आखिरी चाह जी। ये चाह मिकी बड़ी याद अच्छी जनाब पड्डा ने दूध नहीं ये चूल्हे ये अग ये बिस्तरे मैं ना के हूं माड़ा घर दिल बहुत ही मुश्किल है लगना कहने वाली भाई ये गल है या नहीं। मैं तो खान जान भाई जनाबे वाला जा ही रहा ऐसा थड़ा छड़ा चाह आ अपने घोड़िया की पोड़ने क्योंकि इतना और भी बहुत सारे डेरिया ने घोड़े तो खच्चर तो उन्होंने असा अपने की पोड़ सा तो फिर जरा एक ना इस बेले विच राइड कर सा। ऐसा साढ़े घोड़ा तो घोड़ी जनाबे वाला मस्ताना तो मस्तानी इसी हूँ पोड़ने ना असा कोई हल कर लगे हुए हाँ ऐसा पगड़ी की जनाबे वाला मस्तानी लो जी जनाब आखिरकार वो टाइम आई गया कि हूँ भी डेरा छोड़ी क्या तो वापस अपने घर वाली साइड जाना पे सी। दिल तो नहीं मनन लगे आ यकीनन मिकी कदा इन्हां नाल सफ़र करने हो ए नहीं सी लगा कि मैं घरों बाहर हाँ हमेशा इन्हें एक फैमिली नहीं तरह एक अपने फैमिली मैंबर नहीं तरह मिकी ट्रीट किया तो मैं भी इस तरह इन्हां नाल प्यार मुहब्बत करना वा तो आज यकीनन माड़ा दिल बहुत भारा होया वै इस डेरे छोड़ने ते इस जर्नी की क्योंकि एक लाइफ स्टाइल टोटल बदली गया सी माड़ा इन्होंने नाल ना एक रूटीन बनी गई सी असी मजाक प्यार मुहब्बत एक खुशी नाल सारा सफ़र गुजरिया वा सारा लेकिन हूँ मजबूरियां इस वजह से जाना पे सी। इदियों बाद इंशाल्लाह थाना वो भी प्लान शेयर कर सा तो हूँ मुलाकात कर रहे हैं सारे नाल तो इंशाल्लाह फिर निकलने हैं ठीक है खान जान भाई अल्लाह सोने वाला है ठीक है कोई गलती गुस्ता ही हुई जनाब तो माजरत कोई गलती हुई जनाब तो माजरत अल्लाह ने वाला है जनाब कोई ठीक है अली भाई सब तो ज्यादा संग मारा था अली भाई ना रहा खोतिया पर समान था घोड़िया पर ढोने ना तो बगड़ू साहब तो है मैं भी मिला तो साहब मिली क्यों बगड़ू साहब तो मैं कट्ठे मेरा तो नहीं करना है जी इन्हें ना हूँ बड़ा दिल रल गया साहब अरे हूँ क्या करा मेरा तो वैसे तो हफ्ता खान जाने का कोई इरादा ही नहीं है हूँ दिल मेरा भी कच्चा कच्चा हो गया मेरा दोस्त जलना ने जुल मेरा है इस नाल मैं भी
ਬਲਾਕੋਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਲਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੁਲਣ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਆਣੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਏ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੈਡ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਬੈਸ ਸਰ ਪੁੱਜਣੇ ਕਿ ਰੋਡਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਟਰ ਖਲਤੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਵੈ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗਿਣੀ ਸਕਣਾ। ਸਿਰ ਮੁਖਲਸ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਝੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਗੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਉਣ ਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਲਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਲਸਪਨ, ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹ ਚੱਲਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋ ਨਵਾਂ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਸੋ ਟੁਰੀ ਕੇ ਆਸਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਪਰੂ ਪਹਾੜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੁੱਟੀ ਕੇ ਆਛਣੇ ਲੈ ਬਰਫਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਰਫਾਂ ਲੈ ਥੱਲੇ ਰੁੜਨੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਾਲ ਰੁੜੀ ਅਛਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਮਾਰਨ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਪਹਾੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜੀ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਪਰ ਜਾਸਾ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਿੱਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਪਰ ਸੌਖੀ ਜਾਈ ਕਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਪਏ ਅਸਾਂ ਕਿ ਢਲੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਅਛਣੇ ਨੇ ਮਾਲ ਵੀ ਅਛਣਾ ਵੈ। ਇਹ ਐ ਰਿਸਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸਨੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਛਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਬਹਿ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤੱਕਣੇ ਉਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਥਾਰ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਬਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਸਲੈ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਫ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਖਲਤੀ ਵੀ ਬੱਚੀ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਸਾੜੀ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੰਭਾਲੀ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੀ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸੇ ਪਰ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੈ। ਇਹ ਫਕਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਕਣੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਬੇਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਵੈ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਤੱਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਬਰਫ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੁਰਨਾ ਲਾ ਜਾਣਾ ਤੱਕੋ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਕੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਗੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਾ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨੇ ਦੇ ਲੱਭੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਖੜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਉਣੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਗੜੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਸੀ ਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਲੱਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਸੀ ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਭੱਡਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸਵੇਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੀਆ ਬਾਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਮੱਖਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਮੁੜਸਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੱਖਣਾਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਬਣਾਈ ਕੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਕੂਨ ਆਈ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਘੁੱਟਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਆ ਤੱਕਣੇ ਉਸ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਕੂਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ।
अज जनावे वाला एक और डोली है जिसी असा पार करना वै तकने उस जनावे वाला अल्लाह पाक ही रार किता असाई वरना ये गलत डोली चासा बही गए सा ये समान वाली डोली है ते वैसे कौन ही डर लगा आज डर लगा उस वजह थू कि मैं टही पेना खैर है माड़ा फोन टही पेना ते इसने बहुत सारा डाटा बगरू साहब डर लगा रस्सी फंसी है बगरू साहब सेंटर लटकी गए तो मैं भी सो तकिया उसी किसरा सेंटर ने भी लटकी गया सा। लो जी जनाब वापस रोडा पर चढ़ी आया तो हूँ मैं तो बगरू साहब जा ही रहा वापस अपने वतना की घरदार अल्लाह पाक खैर करन ते तको फिर अगला सफर किस तरह ना होना वै क्योंकि एक तो हूँ ही हो गया वै तो इतू लगातार अगर सफर करा तो 10 to 12 hours ना सफर है मीरपुर ना तो तकने के केड़े केड़े रस्ते इख्तियार करी के घर तक मैं पुजना वा तो हूँ बस जी का स्कूटर खिलाया उतना पुजने लिया फिर अगर ना इंशाला असा शुरू कर देने सफर। चलो जी माड़ा तो बगरू साहब ना भाड़ू के शहजादे ने अपर ना तकने उसो कि सफर शुरू हो गया वै हूँ तको कि अगला सफर माशाला कैसा रहना सारा माशाला जी असा हूँ वापस जलखड ने कोल पुजे हाँ जितू पिछले दिहाड़े असा सफर स्टार्ट किया उसा पुजे हाँ तो कोशिश है माड़ी कि अल्लाह पाक खैर करन जल्दी जल्दी सफर आए मुक्की जाए जे कार वेले सिर पुजी जाए लेकिन बहुत दूर है कार मीरपुर इतों ना कम से कम 400 तो कुछ किलोमीटर है। देखो माशाल्लाह पहाड़ा ने क्या ही खूबसूरती है लेकिन रोडा नहीं सब तो ज़्यादा इतने खूबसूरती है अगर इन्होंने पहाड़ा ने रोड खूबसूरत ना हो
ते इधर कुसा बंदे भी नहीं सी अच्छना, लेकिन इस रोड नी वजह तू ए एरिए पे डिस्कवर होन लगे वे। ताई मैं हमेशा आना होना कि साढ़े कश्मीर दियां रोडां नहीं सही, जिहड़ी ताऊपाड़ तक रोड जानी है, अगर वह खूबसूरत रोड होवे तो उत्थे टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो सकना। तो हूँ घोड़िया की क्रॉस मारने आ, ओए ना भनिया साड़ा कैमरा वो घोड़िया। असा रोडा ने दंदा एक जगह के असा नावे खली गए तकने और सोपे माखियों बड़ा जबरदस्त किस्म ना नैचुरल ए इस एरिए ना जड़ा फुल है या सारा कुछ है उस ना माखियों है। तो यह एक मैं डब्बा इंदाव है टेस्टिंग वास्ते अद्धा किलो जहाँ सब तू मैं पूछे टाप ना माखियों है ना वो इन्हें दसिया कि यह है वो जो सामने डब्बा वै तो ये नया तो फिर जुड़ के टेस्ट कर सा कार ही तो फिर पता लग सी कि यह की है जे आवे। मी तो बगलू साहब भी काफ़ी शदीद त्रे लगी है, कोक ने कहा नहीं दिन तक ने उस बर्फा ने भी चनाव वाला फ्रिज लगे आ पूरा पूरे ने पूरा फ्रिज नैचुरल फ्रिज वैसे तो आम फ्रिज है ठंडे होने इन्ना, लेकिन इतना अल्लाह ताला नहीं तरफ तक बर्फा ने बच्चे फ्रिज लगे आ वे। असा नारान कागाम थू अगे लिखने पे, लेकिन बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम है, कोई हिसाब नहीं गड्डिया ना, बहुत बड़ा रश पे आ, पता नहीं केड़ी वजह थू अगे कुदरे पानी शानी हो सी कट्ठे ने बिच अछना उस वजह थू शायद इतना ज़्यादातर ट्रैफिक ता ही जाम होनी है जिले पानी बहुत ज़्यादा आ ही रहा वै बर्फा ना अपरू सड़कें पर। जनाबे वाला इसलिए बालाकोट पुजिया मैं बगलू साहब बिल्कुल अच्छी गया था, फ्रेश अंबा ना जूस पीता इतना तो थोड़ा जहा साह फिर पिछले चार घंटे तू असा ट्रैवल पे करने आ बालाकोट तू हूँ असा ना अगर जरा रूट है ना ये मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद तो बाद सुधन गली असा पुजना जरा सा फेवरेट होटल है वो तो पता लगी गया उसके। जी जनाब इसलिए असा पुजे हाँ गढ़ी दुपट्टा, तो गढ़ी दुपट्टा पुजने साथ ही ना साढ़े पहाड़ू के शहजादे ने वाह निकली गई है पिछले टायर ने नारन कवान भी इस खराब किया वै अज फिर इस सारे सफर ने भी दौरान खराब किया। असा सुधन गली पुजना सी वह जरा सा होटल है जिते हमेशा मैं स्टे करना हूँ मैं तो बगलू साहब है गर्मी च मरन लगे हुए हाँ इतनी गर्मी है ना या असा एकदम बर्फा चू निकली गया तो इधर आए हाँ तो बहुत लगनी है पी तो सामने खिलाया है दुकान बुलाया बंदे की खोल सी तो मुड़ी जनाब वाला पहाड़ू के शहजादे की ठीक कर सी तो अगे निकल सा। लो जी जनाब माशाल्लाह सवेले सवेले ना टाइम है तो तुसा सब सुबह ब खैर तकने उस फेवरेट होटल जिथे हमेशा मैं अच्छी है तो स्टे करना होना गंगा चोटी यानी कि सुधन गली ने बिच आए कश्मीर व्यू लॉजेस एंड गुजरा वाला फूड ठीक है तो इतने मैं हमेशा अच्छी रेस्ट करना मैं तो बगू साहब तकने उस दो गठे जनाब वाला इसलिए नाश्ता कर लिया थोड़ी देर अपर गंगा चोटी जाने ना दिल है कि घर तो जाने जाना है तो घर भी जाइए क्या करना उत्थे इतनी शदीद इसलिए गर्मी है ना सुनिया कि टेंपरेचर 43-45 है तो फिलहाल इतना बड़े सुकून ही असा कहने बबू साहब इे गल है बिल्कुल जी इतना सुकून है बिल्कुल तंदूर तो बड़ा औखा मैं अपना रंग चिट्टा किया लेकिन लगना यह है कि जूं ही मैं मीरपुर की धरती बढ़सा तो माड़ा रंग फिर कला हो जा सी क्योंकि मैं तो बर्फा ही रहा वहाँ तो यह भी एक नवा मसला माड़े का पैदा हो गया। बहरहाल असा नाश्ते की इंतजार कर रहे हैं अपना इंशाल्लाह नाश्ता करने तो नाश्ते तो बाद जरा ना अगे फिर जरा गंगा चोटी दर जुलने हैं जनाब वाला साढ़े अंडे आई गए परांठे आई गए आ हा 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 हूँ खासा अपर उत्तर मौसम तक की सकते हो कितना ही प्यारा हो गया वै इधर अपर तको जिधर असा जाना गंगा चोटी दर किस तरह इसलिए काले काले शाह चढ़ चढ़े वे जनाबे वाला फुल टॉप ने अपर हाँ इसलिए मैं गंगा चोटी ने मतलब कि थले जरा उस बेस कैंप तक वो कितना खूबसूरत मंजर है अगर तू सच को विजिटर अच्छना चाहना तो मोस्ट वेलकम इतना हूँ विजिट करो बड़ा सोहना वैदर है और यकीन तुसा इतना अच्छो तो बड़ा सोना दिल खुश हो सी। जनाब इतने ऐसा साढ़े दोस्त होने बड़े अच्छे दोस्त बड़े मुखलस दोस्त अतीक भाई जेड़े क्या है पिछले साढ़े बैकग्राउंड खलते हुए भी हैं इन्होंने इतना ढोक है ये सर्दियों इतना आई जाने ना सॉरी सर्दियाँ नहीं गर्मियों इतना अच्छे ने तो सर्दियों बुन इन्होंने कार भी मैं तुझे दसे आवे त
ते इत्थे असा आए सा सोहनी जी चाह पीती है इथू हुण असा ने दिल है के वापसी ने सफर करा। प्रतीक भाई अपना ख्याल रखे इंशाल्लाह ईद बाद अच्छा ते फिर सो एरिए जेड़े नहीं ना डिस्कवर होए वो भी कराने इंशाल्लाह जनाब सारे एरिए डिस्कवर करवा। चलो जी इथू हुण असा ना वापसी ने इंशाल्लाह सफर जेड़ा ना शुरू करने जनाबे वाला। मैं तो बगरू साहब पिंडी हाँ क्या सर पिंडी नहीं इस्लामाबाद पीर बधाई अड्डे ने नाल इतू एक गड्डी पोर सन अपने घर हरिपुर जा सन जिते इन्होंने अपनी जगह भी है वै तो मैं इतू त्रै घंटे लासा तो मीरपुर जा सा इसलिए नौ ना टाइम हो गया तकरीबन राती ने 12 बजे मैं अपने घर पुज सा तो हूँ अगर माड़ा सफर घलियों है फिल्म एंड करने अगर रात पेगी है।